इस साल नहीं लगेगा महादेव मेला, आपदा प्रबंधन की बैठक में लगाया गया प्रतिबंध। नहीं मानी गई मांगे तो ठप हो जाएगी बिजली, इंजीनियरों ने 3 मार्च से काम बंद करने की दी चेतावनी। जनसुनवाई में पहुंची महिलाओं ने की कलेक्टर से शिकायत, गांव में किराना दुकान से हो रही शराब की बिक्री। बढ़ती हुई महंगाई और अध्यादेश के खिलाफ ब्लॉक कांग्रेस कमेटी ने किया विशाल प्रदर्शन। और छिंदवाड़ा से नागपुर जाने वालों की घटी संख्या, सिर्फ 750 रुपए में गई नागपुर ट्रेन। नमस्कार, छिंदवाड़ा लाइव के इस बुलेटिन में आपका स्वागत है, मैं हूं आपके साथ आकाश। छिंदवाड़ा कलेक्ट्रेट में क्राइसिस मैनेजमेंट की बैठक में निर्णय लेते हुए महादेव मेले को इस साल प्रतिबंधित कर दिया गया है। अधिकारियों ने बताया कि महाराष्ट्र तरफ से आने वाले सभी रास्तों पर बैरियर लगाए जाएंगे, आगंतुकों के टेम्परेचर और ऑक्सीजन सर्कुलर लेवल की जांच होगी, शक होने पर कोरोना का सैंपल कराया जाएगा, रिपोर्ट आने तक आगंतुक को क्वारंटीन रखा जाएगा। महादेव और बड़े मेलों पर पूर्ण प्रतिबंध जारी रहेगा। महाराष्ट्र से श्रद्धालु व्यवसायियों के आगमन पर प्रतिबंध रहेगा, मास्क के उपयोग को अनिवार्य किया जाएगा और सोशल डिस्टेंसिंग का कड़ाई से पालन होगा। बॉर्डरिंग डिस्ट्रिक्ट होने के कारण हम लोगों के द्वारा अधिक सावधानी बरतने की यहाँ पे चर्चा की गई है। मास्क को फिर से पूरी तरीके से अनिवार्य किया जाएगा। मार्केट में या किसी भी सार्वजनिक स्थल पे यदि कोई बिना मास्क के पाया जाएगा तो उसको पूर्ववत जुर्माना भरना पड़ेगा। ये भी निर्णय हुआ है कि बॉर्डर पे चेक पोस्ट रहेंगे। महाराष्ट्र से जो भी गाड़ियाँ बसेस वगैरह आती हैं उसमें लोगों को टेम्परेचर चेक कराना पड़ेगा। और आपदा प्रबंधन समिति में ये भी निर्णय लिया गया है कि वहाँ से जो भी लोग आते हैं उनको अपना निगेटिव रिपोर्ट RT-PCR का साथ में लाना पड़ेगा, अन्यथा उनको बॉर्डर से ही अभी लौटा दिया जाएगा। इसी प्रकार से एक महत्वपूर्ण निर्णय ये लिया गया है कि अभी एक महत्वपूर्ण महादेव मेला होता है तो इस बार कोरोना की स्थिति को देखते हुए, चूँकि उसमें 80% लोग महाराष्ट्र से ही आते हैं, तो वो मेला इस बार स्थगित रहेगा। जो पूर्व में निर्णय लिया गया था कि उसको आयोजित किया जाएगा तो उस निर्णय को बदलते हुए उस मेले को स्थगित किया गया। अभी हमने ज़िले में क्राइसिस मैनेजमेंट ग्रुप की एक मीटिंग भी आयोजित की है। इस संदर्भ में, इस संबंध में बार बार जानकारी और सूचनाएँ प्राप्त हो रही हैं कि महाराष्ट्र में अलग अलग स्थानों पर, विशेष रूप से छिंदवाड़ा से सटे हुए स्थानों पर, कोरोना का संक्रमण बहुत तेज़ी से फैला है और वहाँ पर भी स्थिति को मद्देनजर रखते हुए लॉकडाउन इत्यादि घोषणाएं की गई हैं। छिंदवाड़ा में भी चूंकि संक्रमण अभी बहुत ही नियंत्रित गति में रहा है और आगे इसका प्रसार बहुत ज़्यादा ना बढ़ने पाए, इसलिए हम बॉर्डर्स पे सघन चेकिंग करवाने वाले हैं और RT-PCR की रिपोर्ट के साथ ही बाहरी राज्यों के व्यक्तियों को मध्य प्रदेश में आने दिया जाएगा। ये हम एक चेकिंग के दौरान सुनिश्चित करेंगे कि कोई भी संक्रमित व्यक्ति मध्य प्रदेश की राज्य की सीमा में प्रवेश ना करने पाए। ठप हो जाएगी बिजली, फॉल्ट हुए तो नहीं किए जाएंगे रिपेयर और ना ही बिजली विभाग के बकाया बिलों की होगी वसूली। पावर इंजीनियर्स और एम्प्लॉय एसोसिएशन ने बिजली बोर्ड को सख्त चेतावनी दे दी है। विगत 23 दिन से धरना प्रदर्शन कर रहे बिजली इंजीनियरों की मांगों को अनसुना करने वाले बिजली कंपनी को एसोसिएशन ने 3 मार्च से काम बंद रखने की चेतावनी दे दी, जिसके बाद प्रबंधन ने अब बैठक करने का आश्वासन दिया है। माचीवाड़ा क्षेत्र में किराना की दुकान के आड़ में बिक रही अवैध शराब सहित खेले जा रहे जुए सट्टे के विरोध में ग्रामीण महिलाओं ने कलेक्ट्रेट पहुंचकर शिकायत दर्ज कराई, जबकि परासिया के चांदामेटा, पांडुरनाथ, दमुआ आदि से आए सफाई कर्मचारियों ने कलेक्ट्रेट से शिकायत करते हुए 3 महीने से रुके हुए वेतन को दिलाए जाने की मांग की है। हमारा जो मकान है, मकान में पानी घुसता है, मकान नहीं बन रहे हैं और हमारे जब पानी भरने जाते हैं, हम वहाँ पे पानी भरने जाते हैं तो वहाँ पे शराब की दुकान है, किराना दुकान भी है, शराब की दुकान भी है, यानी कि छुपा के बेचते हैं लाइसेंस, बिना लाइसेंस के। और वहाँ पे डिस्पोजल दारू की बोतल सारी चीज़ें और वहाँ पे आने जाने वाले को गाली गलौज, ये सारी चीज़ें होती है। जिला छिंदवाड़ा परासिया से, पांडुरना से, चांदामेटा से, दमुआ तरफ से, जितने भी छिंदवाड़ा ज़िले में स्वास्थ्य केंद्र हैं, CSCA PSCA प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र से लेकर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र के कर्मचारी हैं, फिर समस्त कर्मचारी आज कलेक्ट्रेट में आए हुए हैं अपना आवेदन देने के लिए कि इन्हें पूर्व में तो परेशानी होते रही ठेकेदारों के माध्यम से, वेतन विसंगति होते रही, इन्हें पहले के EPF भी सब गवर्न हो गए हैं, पहले के EPF भी नहीं मिल पाए हैं और वर्तमान जो ठेकेदार है वो अभी 3 महीने से उनका वेतन भुगतान नहीं किया है, 3रा महीना चल रहा है रनिंग में। इससे इनके परिवार में, इनके बच्चों की शिक्षा दीक्षा और इधर उधर पोषण पालन पोषण में बहुत समस्या उत्पन्न हो रही, परिवार में आर्थिक स्थिति आपके दयनीय होती जा रही, कर्ज लेके खा रहे हैं और परेशानी ये है कि आने वाले समय में वेतन का भुगतान होगा या नहीं। अभी कलेक्टर महोदय को हम ज्ञापन देने आए थे और अभी अपर कलेक्टर महोदय दे रहे हैं,
और सीएचओ मसाल से मिलने आए। ब्लॉक कांग्रेस कमेटी ग्रामीण छिंदवाड़ा द्वारा आज बस स्टैंड मानसरोवर के सामने विशाल धरने का आयोजन किया गया था, जिसमें छिंदवाड़ा ब्लॉक के किसान शामिल हुए। बढ़ती हुई महंगाई और किसानों के लाए गए अध्यादेश के खिलाफ ग्रामीण कांग्रेस के वरिष्ठ पदाधिकारियों द्वारा धरने का आयोजन किया गया था। धरने में ग्रामीण कांग्रेस के अध्यक्ष अमित सक्सेना, भैया जी तिवारी, दिगंबर ठाकरे, पूर्व मंत्री दीपक सक्सेना, जिला कांग्रेस अध्यक्ष गंगा प्रसाद तिवारी, वरिष्ठ कांग्रेसी नेतागण उपस्थित थे। धरना स्थल पर ही एसडीएम को बुलाकर अपनी मांगों को लेकर ज्ञापन सौंपा गया। किसानों के साथ लगातार अन्याय और अत्याचार मोदी सरकार और शिवराज सिंह चौहान की सरकार कर रही है। इनके द्वारा जो लगातार किसानों को मूल्य नहीं मिल रहा, और साथ में हमारे जो किसानों की कर्ज माफी, कमलनाथ जी ने 27 लाख किसानों का कर्ज माफ़ किया था, अभी तक बाकी किसानों का कर्ज माफ़ नहीं किया जा रहा, वो इनको करना चाहिए इन सब मांगों को लेके। और हमारे छिंदवाड़ा ज़िले की जो विकास की योजनाएं हैं उनको रोका जा रहा है, किसानों के पानी लाने की योजना को रोका जा रहा है, लेट किया जा रहा है, इन सब मुद्दों को लेके हमने ये धरना और आंदोलन रखा था। हम लोग चाहते हैं समर्थन मूल्य के आधार पर फसल की खरीदी हो, जो काला कानून लाया है वो हटाया जाए, उसमें संशोधन किया जाए, और साथ साथ किसानों को जो आज पेट्रोल डीजल हर चीज़ की परेशानी का सामना करना, बिजली के बिलों से लेके इन सब चीज़ से परेशानी से मुक्ति मिले। हम शासन को जगाना चाहते हैं, राज्य के भी और केंद्र के भी, और अनुरोध करते हैं किसानों की तरफ से कि हम लोग यहाँ राजनीति के उद्देश्य से नहीं, किसानों के हक के लिए वास्तविकता को की मांग करने आएँ, और वो हमारी बातों को समझें और हमको राहत दें, ये हमारी दोनों सरकार से उम्मीद है। इतवारी से छिंदवाड़ा और छिंदवाड़ा से नागपुर चलने वाली ट्रेन में अब कोरोना का भय दिखने लगा है। रेलवे द्वारा कोरोना की जांच को लेकर अब किसी गाइडलाइन का पालन नहीं किया जा रहा है, और महाराष्ट्र की ओर से आने वाली इस ट्रेन में इन दिनों काफी बड़ा रिस्क है, जिसको लेकर प्रशासन ने कोई तैयारी नहीं की। वहीं कुछ लोगों का कहना है कि इन दिनों महाराष्ट्र को जोड़ने वाली ट्रेन को नहीं चलाना चाहिए। करनाल नदी के तट पर स्थित ग्राम रोहना में मंगलवार को शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय रामाकोना की राष्ट्रीय सेवा योजना इकाई के 7 दिवसीय शिविर का शुभारंभ हुआ। मुख्य अतिथि संस्था प्राचार्य एएच खान ने स्वयंसेवकों को बधाई देते हुए शिविर के माध्यम से समाज सेवा के साथ अपने व्यक्तित्व का विकास करने की बात कही। कार्यक्रम की अध्यक्षता करते हुए व्यक्तिगत आचरण और चरित्र निर्माण की पाठशाला राष्ट्रीय सेवा योजना को बताते हुए से जोड़कर इस उपलब्धि को हासिल करने की बात कही गई। औपचारिक स्कूल में शिक्षा के लिए प्रेरित करने के उद्देश्य से डैनियलसन डिग्री कॉलेज की राष्ट्रीय सेवा योजना इकाई और बाल संरक्षण क्लब के सदस्यों द्वारा संस्था प्राचार्य प्रोफेसर स्मृति हाबिल और यूनिसेफ भोपाल की आवाज संस्था के निर्देशन में ग्रामीण बच्चों को शिक्षा की धारा से जोड़ने स्वयंसेवक ग्रामीण अंचल में कार्य कर रहे हैं। एनएसएस कार्यक्रम अधिकारी और सीपी क्लब प्रभारी प्रोफेसर रविंद्र नाफड़े ने बताया कि बालकों को निःशुल्क शिक्षा के क्षेत्र का अधिकार को प्राप्त कर युवा स्वयं को शिक्षित कर भावी राष्ट्र निर्माण में योगदान देकर आत्मनिर्भर होकर सशक्त समाज का निर्माण कर सके। बुलेटिन बक्चुअल छोटे से ब्रेक का जल्द हाजिर होंगे। नागपुर की सुविधाएं अब छिंदवाड़ा में, शहर के सबसे आधुनिक डेंटल क्लिनिक डेडिकेटेड इम्प्लांट फैसिलिटी के साथ। चतुर्वेदी डेंटल क्लिनिक, डॉक्टर राहुल चतुर्वेदी MDS, फिक्स दांत एवं बत्तीसी लगाने के स्पेशलिस्ट। क्लिनिक में उपलब्ध सुविधाएं, दांतों की सड़न का इलाज, लैमिनेट द्वारा दांतों का सौंदर्यीकरण, आड़े टेढ़े दांतों को ठीक करना, स्माइल डिजाइनिंग, फिक्स बत्तीसी, डेंटल इम्प्लांट, कास्ट पार्शियल डेंचर, रूट कनाल ट्रीटमेंट, फिक्स कैप एवं ब्रिज, निकलने लगाने वाली बत्तीसी। समय सुबह 11 बजे से रात्रि 9 बजे तक, सोमवार से रविवार। स्थान पोला ग्राउंड पांडे नर्सिंग होम के सामने छिंदवाड़ा। मोबाइल नंबर 9755496232 और 8839315742। ब्रेक क्या देगा, फिर से आपका स्वागत है। इन दिनों महापौर पद के लिए सबसे चर्चित नाम निगम सहायक आयुक्त अनंत कुमार धुर्वे का चल रहा है। आज उनका जन्मदिन होने के कारण निगम कर्मचारी संघ के पदाधिकारी अनंत कुमार धुर्वे को जन्मदिन की शुभकामना देने उनके आवास पहुंचे। BMC के नवनियुक्त प्रदेश अध्यक्ष संजय सिंह के प्रथम दमुआ आगमन पर भव्य स्वागत आतिशबाजी, गाजेबाजी और पुष्पमालाओं के साथ किया गया, जहां दमुआ नंदन इकाई के सभी BSS कार्यकर्ताओं और भाजपा के पदाधिकारी और कार्यकर्ता बड़ी संख्या में शामिल हुए। BMS प्रदेश अध्यक्ष ने कहा कि वे का नानपेच कोयला क्षेत्र में निरंतर खदाने चलते रहे, मजदूर हितों के लिए निरंतर संघर्ष करना मेरा लक्ष्य रहेगा। विधवा पेंशन पाने वाली हैं, निराश्रित पेंशन पाने वाली हैं, वृद्धा पेंशन पाने वाली हैं, आशा कार्यकर्ता है, मिड डे मील में काम करने वाले रसोइया हैं, आंगनवाड़ी की सहायिका हैं, कार्यकर्ता हैं,
बड़ी संख्या में ऐसे असंगठित क्षेत्र में जो कामगार, जो मजदूर, जो हमारा गरीब बंधु काम कर रहा है, आइए हम, मैं आह्वान करना चाहता हूं कि उस दिशा में हम सभी के काम बढ़ें। कोयले में हमारी बहुत बड़ी ताकत है, कोयले का मजदूर, कोयले का कार्यकर्ता निश्चित रूप से पंचकनान में बहुत ताकतवर है। मैं उसका भी आह्वान करना चाहता हूं भारतीय मजदूर संघ के प्रदेश अध्यक्ष के नाते। जिला स्तरीय लेदर बॉल क्रिकेट प्रतियोगिता कन्हान क्रिकेट स्टेडियम जीएम ऑफिस डुंगरिया में आयोजित की जा रही है। पहला मुकाबला यूनिक क्रिकेट क्लब परासिया विरुद्ध आरआर क्रिकेट क्लब जुन्नारदेव के मध्य खेला गया। आरआर क्रिकेट क्लब के कप्तान विपुल पटेल ने टॉस जीत के बाद पहले बल्लेबाजी करने का निर्णय लिया। 16 ओवरों के इस मुकाबले में टीम ने मात्र 111 रनों का स्कोर खड़ा किया। विरुद्ध में बल्लेबाजी करने उतरी यूनिक क्रिकेट क्लब की टीम ने अपनी संघर्षपूर्ण बल्लेबाजी करते हुए 15.4 ओवर में 8 विकेट खोकर लक्ष्य को पूरा कर मैच 2 विकेट से जीत लिया। जुन्नारदेव में सार्वजनिक वितरण प्रणाली से उपभोक्ता परेशान। गरीब मजदूर अपनी दैनिक मजदूरी छोड़कर खाद्यान्न लेने के लिए लंबी लंबी लाइनों में अपनी बारी का इंतजार कर रहे हैं। आखिर में सर्वर डाउन सूचना मिलने पर बगैर रंग ही उन्हें वापस लौटना पड़ रहा है। शहरी क्षेत्र में राशन की इन दुकानों पर POS मशीन के द्वारा ही खाद्यान्न वितरण की बाध्यता बताई जा रही है, जबकि दूरस्थ ग्रामीण क्षेत्र में सर्वर मिलता ही नहीं है। कितनी उंगली से भैया आपने लगाए? 10। नहीं आया किसी ने भी नहीं आया। वार्ड नंबर 8 के आज सैकड़ों युवाओं द्वारा कांग्रेस भवन में पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ और सांसद नकुल नाथ और कांग्रेस की रीति नीति से प्रभावित होकर आज कांग्रेस भवन में जिला अध्यक्ष गंगा प्रसाद तिवारी के समक्ष कांग्रेसी नेता प्रमोद शर्मा के नेतृत्व में सैकड़ों युवाओं ने कांग्रेस की सदस्यता ज्वाइन कर इस अवसर पर जिलाध्यक्ष ने स्वागत कर और मिष्ठान खिलाकर सभी सदस्यों को कांग्रेस में एकजुटता से कार्य करने की शपथ दिलाई। इतने सालों काम करने के बाद भी भाजपा के कोई लोग अपनी सुनते नहीं थे, फ़ोन लगाओ तो कोई काम सुनते नहीं थे। एक प्रमोद भैया जो हमारे वार्ड के पूरे लड़कों की हमेशा मदद करते आए हैं, जब भी जो भी काम परेशानी रही तो हमेशा आगे आए। इसके लिए मैं आज कांग्रेस ज्वाइन कर रहा हूँ भैया के लिए, और कमलनाथ जी के जो विकास कार्य हैं छिंदवाड़ा के अंदर, इतने प्रभावित हुआ उससे मैं, तो उसके कारण वार्ड नंबर 8 के बीजेपी के बूथ प्रभारी एवं बहुत सारे लोग जो कांग्रेस से समर्थित नहीं थे, उन्होंने भाजपा से उपेक्षा के कारण, और लगातार वो उनके साथ काम करते रहे लेकिन वहाँ भाई भतीजावाद चलता रहा, उससे नाराज होके कमलनाथ जी की विकास कार्यों से प्रेरित होके आज कांग्रेस की सदस्यता उन्होंने ली। जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष माननीय गंगा प्रसाद तिवारी जी के समक्ष और मेरे नेतृत्व में यहाँ पर वार्ड नंबर 8 के समस्त ऐसे युवा जो अभी तक कांग्रेस के लिए नहीं थे, वो अब आगे से कंधा मिला के हमारे साथ चलने को तैयार हैं और कमलनाथ जी की रीति नीति के अनुसार कार्य करने के लिए तैयार हैं। रजक समाज द्वारा आज संत गाडगे महाराज की जयंती के अवसर पर मंदिर में हवन पूजन कर जिला अस्पताल में फल वितरण किया गया, साथ ही सभी सामाजिक बंधुओं द्वारा धूमधाम से सामाजिक जयंती मनाई गई। आज संत श्री गाडगे जी महाराज की 145वीं जन्म जयंती है। ऐसे अवसर पर आज हम सभी लोग इकट्ठे होकर, स्वजाति भाई इकट्ठे होकर बड़े बड़े कार्यक्रम करते हैं एवं उनके आदर्शों पर चलने की सभी अपना प्रयास करते हैं कि उनके आदर्शों पर सभी लोग चलें। इसी मौके पर आज हम हॉस्पिटल में आकर सभी मरीजों को फल वितरण वगैरह कार्यक्रम किया, कुछ सफाई वगैरह की, स्वच्छता के जनक कहे जाते हैं माननीय गाडगे जी, तो इसलिए आज स्वच्छता का भी कार्यक्रम हमने रखा था। संत गाडगे महाराज की जयंती के उपलक्ष में हम फाउंडेशन भारत द्वारा आज जरूरतमंद व्यक्तियों को गर्म कपड़े वितरण कर समाज के व्यक्तियों को शुभकामनाएं दी गई। इस मुख्य कार्यक्रम में हम फाउंडेशन भारत के जिलाध्यक्ष सत्येंद्र ठाकुर, हम फाउंडेशन विवेकानंद शाखा के जिलाध्यक्ष हिमाचल सिंह ठाकुर, उपाध्यक्ष नितेश गुप्ता, विनीत साहू, दिलीप मालवी, आकाश मिश्रा, रवि मालवी आदि कार्यकर्ता उपस्थित रहे। सारे जरूरतमंदों को हमने स्वेटर का वितरण यहाँ किया है और इनका प्रसाद भी ग्रहण किया, और संत गाडगे जी के जीवन से सीख लेते हुए हमने ये संकल्प किया है कि सारे भारत में सारे जिलों में स्वच्छता अभियान को दूर जन जन तक फैलाएंगे और स्वच्छता के प्रति लोगों को जागरूक करेंगे और लोगों का धन भी परोपकार में लगवाएंगे। जुन्नारदेव तहसील कार्यालय और सब रजिस्ट्रार कार्यालय में सार्वजनिक पेयजल व्यवस्था नहीं है, वहीं सार्वजनिक स्वच्छता परिसर शौचालय में भी ताले जड़े होने से पक्षकारों को दर दर भड़कना पड़ रहा है। इस कार्यालय से लगे हुए रजिस्ट्री कार्यालय SDM कार्यालय में प्रतिदिन हजारों की संख्या में शहरी और ग्रामीण जनता पहुंचती है, जिन्हें पीने के पानी और शौचालय के लिए कोई उचित व्यवस्था नहीं है। तहसील कार्यालय में जुन्नारदेव विशाला ग्राम पंचायत के सौजन्य से स्वच्छता परिसर का भवन बना हुआ है, जिसमें महिला पुरुष प्रशासन
की व्यवस्था है, लेकिन इस नवनिर्मित भवन में दोनों ओर ताले जड़े हुए हैं। जो नारदेव नगर मंडल अध्यक्ष नवजीत मोनू जैन के नेतृत्व में भारतीय मजदूर संघ के नवनियुक्त प्रदेश अध्यक्ष संजय सिंह का प्रथम नगर आगमन पर फूलमाला पहनाकर स्वागत किया गया। भारतीय मजदूर संघ के अनेक पदों पर अपनी सक्रिय भागीदारी निभाने वाले संजय सिंह परासिया शिवपुरी निवासी हैं। भारतीय मजदूर संघ के कर्मठ योग्य जुझारू और राम जन्मभूमि निधि समर्पण अभियान के जिला सह अभियान प्रमुख के रूप में कार्य कर रहे हैं। मैं अपने मित्र राकेश चतुर्वेदी जी का पुनः स्मरण करता हूँ। उनकी कमी निश्चित रूप से बहुत ही साल रही है और मेरा उनके साथ जो आत्मीय संबंध रहा है, निश्चित रूप से जब ऐसे एक विचार के लिए, एक कार्यशैली के लिए काम करने वाले दो लोग मिलते हैं तो उनकी ताकत कई गुना बढ़ जाती है, ऐसा हमने महसूस किया है। ईश्वर के विधि के विधान को स्वीकार करते हैं और आप सभी लोगों का जो प्रेम है, जो स्नेह है, जो विश्वास है, मुझे भारतीय मजदूर संघ को प्रदेश में स्थापित करने में निश्चित रूप से मदद करेगा। छिंदवाड़ा के पीजी कॉलेज के वरिष्ठ एनएसएस स्वयंसेवक विक्की हुई के राज्य स्तर नेतृत्व प्रशिक्षण प्राप्त स्वयंसेवक, जिन्होंने अपने जन्मदिन के मौके पर फिजूल खर्ची ना करते हुए पीजी कॉलेज प्राचार्य डॉक्टर अमिताभ पांडे, एनएसएस कार्यक्रम अधिकारी डॉक्टर जगमोहन सिंह पुशाम, डॉक्टर लक्ष्मीकांत चंदेला, डॉक्टर शालिनी पाटिल के मार्गदर्शन में स्वयंसेवक विक्की हुई के ने अपने साथियों के साथ मिलकर शहर के अनगढ़ मंदिर, तहसील परिसर, लक्ष्मी नारायण मंदिर में गरीब असहाय लोगों को कंबल और मास्क बांटे। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।